तोरे खातिर आवा जीना हरनिया तोरे खातिर उमर नागे चल बिहार ना बदा घूमे बाबू तोरा का के झर नागे अरे पर्वत का है जी का है जी मम्मी ये गोल गोल कर रही है और दादी छान रही है इसको, देखो दोनों अपना काम पे लगी हुई है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज का प्लान ये है कि दीपावली आ गया है तो सारा लाइटिंग वाइटिंग लगाना घर की चारों साइड, तो सारा साइड लगाएंगे, बैक साइड पे भी और फ्रंट साइड पे भी। तो स्टार्ट करेंगे फ्रंट साइड से। गाइस यहाँ पे बच्चे पटाखा छोड़ रहे हैं देसी जुगाड़ करके, देखो कोई खर्चा बिना बहुत कम खर्चा पे यार क्या ही कर रहे हैं, मतलब पता है क्या कर रहे हैं। एक तो ये रखा है नट नट बोल्ट, दिखा ना, देखो इससे छोड़ रहा है। और एक दूसरा एक जनरेटर का पुराना नोजल होता है उसमें माचिस का तीली का जो मसाला होता है वो डाल के छोड़ता है, वो जो कि बहुत कम खर्चा में आ जाता है, अप्रॉक्स 5 रुपये में कितना बार 20-25 बार तो धमाका कर ही देता है, तो बहुत ज़्यादा सस्ता है। देख लो देख लो, ये शख्स को देखो देखो इसको फिर छोड़ रहा है। का है जी का है तोरे खातिर आवा जीना हरनिया तोरे खातिर उमर नागे चल बिहार ना बदा घूमे बाबू तोरा का के झर नागे बड़ी कौन कनिया रानी को के पनिया चेहरा चमक जाए तब खिला तब जवानी एक साथे न है भाई दोनों से ना डर नागे चल बिहार ना बदा घूमे बाबू तोरा का लत के झर नागे। गाइस नहा वहा के रेडी हो गए और अब लड़ी लगाने का सोच रहे हैं, तो सबसे मुश्किल टास्क लड़ी को ढूंढना, तो शुरू करते हैं। कहाँ पे ये मुझे भी नहीं पता है, फाइनली मिल गया। ये देखो कैसा रूम में पड़ा हुआ है, एकदम कचड़ा वाले में। और ये देखो कॉक ब्रांड, ये पटाखा का पॉलिथीन में रखा हुआ है, तो इसका अनबॉक्सिंग करेंगे अभी जाके छत पे। और बहुत सारा है, अगर कम पड़ेगा तो फिर मार्केट से लेके आएंगे, ऐसे तो मे भी ना कम पड़ेगा तो फिर जाके मार्केट से लेके आएंगे। धूप भी बहुत ज़्यादा है बट थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया जिसकी वजह से चल जाएगा काम, पर ये डायरेक्ट आँख से आ रहा है ना सनलाइट, वो बहुत दिक्कत कर रहा है। देखो तो ये सारे हैं, मैं थोड़ा और इधर आ जाता हूँ। देखो ये सारे बहुत सारे वायर्स भी इसमें रखे हुए हैं इसका कनेक्शन करने के लिए। देखो 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 भाई जितना सारा है काम चल जाएगा लग रहा है, ऐसा हो जाएगा। और कम पड़ेगा तो फिर मंगवा लेंगे बट अच्छी तरह से लगाएंगे। देख लो गाइस लगाने से पहले चेक करने के लिए सारा लाइट को बज लगे, बहुत सारा इसमें ख़राब था और ख़राब होने का रीज़न सारा वायर को चूहा कतर दिया था बीच बीच से, बहुत कम बचा 8-10 ही बचा, तो अब मंगवाना पड़ेगा क्योंकि इतना में तो नहीं हो पाएगा, तो बहुत कम बचा। तो जो बचा है उसको तो पहले लगा ले, फिर तो शाम को ही जाके लाएंगे जो भी है इसको पहले लगा लेते जाके। गाइज आगे के प्रॉक्स लगा चुके हैं, बस कनेक्शन करना बाकी है,
तो बस कर लेते हैं कनेक्शन, अभी तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस लगाने का ही दिक्कत है, कनेक्शन तो आराम से हो जाएगा, तो शाम के टाइम पे करेंगे और थोड़ा बहुत देखते हैं और जो बचा हुआ होगा साइड के साइड लगाते हैं। गाइज मम्मी और दादी मिठाई बना रही है दीपावली का, और मिठाई में क्या क्या बन रहा है, सिंपली गुलाब जामुन, फिर बेसन का लड्डू, तो दिखाते हैं। और आज मैं वीडियो में एक नए चेहरे का मतलब खुलासा होने जा रहा है, मतलब जो मेरी दादी है, दिखाता हूँ मैं। ये रही दोनों काम कर रही, ये दादी रही, मम्मी ये गोल गोल कर रही है और दादी छान रही है इसको, देखो दोनों अपना काम पे लगी हुई है, बहुत बढ़िया। मैं जरूरत नहीं ना है, नहीं नहीं, दोनों मिलके कर लेगी, देख हम अकेले करें, मम्मी अकेले कर लेगी बोल रही है, और मम्मी वो गोल गोल कर रही है गुलाब जामुन को और दादी उसको छान रही है कढ़ाई में। और अभी बेसन का लड्डू नहीं बनाया, उसका भी तैयारी हो गया, मतलब चीनी है सब, पता नहीं क्या क्या होता है, वो सब हो गया है, तो बस बन रहा है और थोड़ा टाइम लगेगा, फिर बन जाएगा तब टेस्ट करेंगे, फिर बताएंगे कैसा बना है। ऐसे जनरली अच्छा ही बनाती है मम्मी, ये लोग बनाती है, बहुत अच्छा बनता है। अब बारी टेस्ट करने का है, देखो मजा आ रहा है देख के, बहुत बढ़िया लग रहा, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्म गर्म हम लेके खाने लगे, क्योंकि गुलाब जामुन को देख के बर्दाश्त नहीं होता है, जैसे ही गुलाब जामुन को देखते हैं तो पूरा कह लो मुँह में पानी आने लगता है, इसीलिए मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, तो मैं सबसे पहले खा लेता हूँ इसको, बहुत मज़ा आ गया, मेरा फेवरेट। गाइस अब मम्मी पूजा कर रही है, और आज का जो पूजा होता है उसको देवा का दिया कहते हैं, और इससे पिछला वाले को जम का दिया कहते हैं, मतलब आज का मतलब भगवान के लिए होता है, और जो पिछला जो क्रॉस किया वो तो यम के लिए होता है, वो तो आप जानते ही कौन होता है। तो देखो ये पूजा करिए मम्मी, देखो मतलब सारी जगह भगवान के पास दीपक जलाना होता है, और ये दिवाली के दिन भी होता है, दिवाली के एक दिन पहले भी होता है, तो सारा दिन होता है सारा चीज़, और सारी जगह दिया जलाया जाता है, देख लो। और हम थोड़ा बहुत लाइट ये सभी लगा दिए थे, दिखाता हूँ, ये देखो ज़्यादा नहीं लगाए थे, बहुत कम लगा था अभी, क्योंकि था भी नहीं, कम था, और फिर भैया नहीं था तो अकेले ज़्यादा लगा नहीं पाए, तो थोड़ा बहुत मैं काम चला लिए अभी, तो भैया आएगा तो फिर शायद को सही तरीके से लगाएंगे, बहुत सा लगा दिया बट उसके कनेक्शन नहीं किए थे, क्योंकि शाम हो गया था तो फ्लैश लाइट दिखाना पड़ता कनेक्शन करने के लिए, और भैया था नहीं, हम अकेले कितना लगाते, तो जितना था उतना लगा दिए। गाइस सारा लाइट आ गया, देखो गला में लटका के बैठे हैं ये सारा, इधर भी है, इधर भी बहुत सारा है, तो और सबसे बड़ी बात ये मेड इन इंडिया है, मीन्स ये कहीं चाइनीज़ का प्रोडक्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात ये इंडिया में बना हुआ है, देख लो इसका बाहर देख के पता चल रहा होगा, ऐसा लग रहा है ना तो कोई कंपनी में बना हुआ है, कहीं होममेड है, कहीं बहुत मतलब छोटा लेवल पर ये बनाया हुआ है। तो हाँ, ये चीज़ से दो फ़ायदा हुआ, सबसे पहला तो हम चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे, और दूसरा चीज़ अगर कहीं बन रहा होगा, छोटे स्तर पे बन रहा होगा, तो उसका ये फ़ायदा है कि छोटे लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा, उनको काम मिल रहा होगा। तो आप लोग ही कोशिश करना अगर कुछ भी खरीदते हो, ऐसे तो लोग मना करते कि लाइट ना खरीदे, चाइनीज़ होता है चाइनीज़ होता है, बट इंडियन मिलो ज़रूर खरीदना, हम तो यही रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इंडिया का पैसा इंडिया में ही जाएगा, देख लो ये सारा इंडियन ही है, इधर भी है और भी है, बंद हो गया, तो ठीक है गाइस इसको भी लगाते जाके तो और भी सुंदर लगेगा, घर और चमकने लगेगा। तो ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और एक चीज़ प्लीज़ याद से आप लोग करना, अगर जो मेरा वीडियो इस पर आके देखते हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करके जाना, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों ना लगता है हर किसी के पास मेरा वीडियो नहीं पहुँचता है डेली, मुझे ऐसा फील आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ एक बार चेक करना, और ये भी चेक करना ऑल पे जाके करना, ऑप्शन ऑल सेलेक्ट करना, जिससे कि नोटिफिकेशन आप पे अच्छे तरह से चला जाए और आप मेरा वीडियो देख सको। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।